प्रोग्राम असल तस्वीर दी इस तस्वीर दे रंग सलाबे ने। इना रंगां दे उत्ते सेगल दी एक परत चढ़ी हुई है ते उस परत दे विच्चों पेपड़ी बन बन के रोज़ाना रीझां सुपने किरदे ने। यह तस्वीर है करणबीर दी ते उहदे परिवार दी, हथीं कम करन वाले किरती परिवार दी जिंदगी किहड़े राहां तों होके गुजर रही है, आओ तुहानूं विखाउंदे आं। पहले इत्थे प्राइवेट स्कूल एडमिशन कराई इहदी, पर उत्थे फीसां बहुत ज़्यादा। काम मेरा डेली बेस दिहाड़ी है, घरां विच कारपेंटर दा काम कर लिया। ते अजकल वैसे तुहानूं पता ही महंगाई ते बहुत है, बहुत मुश्किल है बच्चों नूं पढ़ाना। इन्हां लॉकडाउन रहा ते काफ़ी दिक्कत रही, पैसा भी होना नहीं ही, काम छोटे जे ना काम मिले 10 दिन तो फिर मन च आने लग पैंदा भी अगे काम नहीं मिल रहा तो की करांगे। करणबीर सिंह जिहे बच्चियां नूं अडोप्ट करो, ऐसे बच्चियां नूं अडोप्ट करके उन्हां दे परिवारां को असीसां प्राप्त करो, चंगी नैतिक विद्या और अच्छा फ्यूचर देने वास्ते उन्हां दी मदद करिए। प्रोग्राम दी ए तस्वीर जो हुण तुहानूं विखाउण जा रहे हां, इहदे विच की खास है ये भी जाणांगे। करणबीर जो अकाल अकैडमी विच पढ़दा है ते उस परिवार गुरसिख परिवार बारे जानने वास्ते असीं पहुँचे हुए हाँ पठानकोट। साढ़े नाल भाई साहब ने, भाई साहब थोड़ा जिहा अपने बारे ते अपनी फैमिली बारे सानूं दस दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम बचित्र सिंह है ते मेरे फादर साहब सरदार संतोख सिंह जी इत्थे बैठे ने, मेरा बेटा वड्डा बेटा सहजप्रीत सिंह, छोटा करणबीर सिंह, उन्हां दे नाल मेरी वाइफ हरजिंदर कौर। बचित्र सिंह जी काम की करते हो तुसीं किरत दे तौर ते? जे वेखां तां मैं पुछांगा, काम मेरा डेली बेस दिहाड़ी है, आम घरां विच कारपेंटर दा काम कर लिया थोड़ा बहुत। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ? ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, 2ਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ
ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं प्लस टू की कई बार खुद में इदा परेशान जी नहीं हो जाते भी यार भी कमाई पक्षों भी थोड़ा जहा हथ तंग है तो बच्चों के मुँह नहीं वेख के कई बार दिल जो चाहता है हों तो आया हूँ पिछले लॉकडाउन रहा तो काफ़ी दिक्कत रही नहीं उन्ना मतलब पैसा भी उन्ना नहीं ही तो वधिया स्कूल पढ़ाना भी औखा ही तो चलो एडजस्ट किया थोड़ा बहुत कि चर वेले रहे फिर वेले काफ़ी मेरे ख्याल तीन चार महीने वेले रहे उदो फिर उदो किवें चलिया उदो फिर थोड़ा बहुत घर का भी फिर चलो थोड़ा बहुत कितों करते ही रहे माड़ा मोटा भी चलो कितों महल चो कितों काम माड़ा मोटा लग जाना फिर जोड़े थोड़े खर्चों घट किया भी चलो ज़्यादा खर्चा ना करे करिए जोड़े मेन काम ही वह करते रहे बाकी पापा जी तुम कदों करते ही कम कि टाइम कर ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸਫੈਦੀਆਂ ਸਪੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਖਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਿਆਈ ਨੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਛੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੀ ਗਏ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਤੇ 13ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 13ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਨੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਨ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਛੱਡਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਡਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਐਲ ਕੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤਬਲਾ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਬਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ Thank you.
की देख रहे सन? टीवी। की देख रहे सन? टीवी। वेरी गुड। सो यह बच्चा आ करणबीर सिंह, ये साढ़े स्कूल इस सैशन च ही आया है। एदे पेरेंट्स का एक परपज सी कि अपने बच्चे नूं एक वधिया स्कूल विच एजुकेशन दिवानी आ, ते साडे स्कूल दी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस सी उस नूं देख के इन्हां दे पेरेंट्स ने यह डिसाइड किया कि इस बच्चे नूं साडे स्कूल विच एडमिट करवाया जाए, क्योंकि हर साल साडे स्कूल दे बच्चे डिस्ट्रिक्ट तहसील टॉपर रहिंदे ने बोर्ड क्लासिस विच। ते इस चीज़ देख के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इस बच्चे नूं अकाल अकैडमी तिब्बड़ विच पढ़ाया जाए, उन्होंने डिसाइड की ये चीज़। दूसरी गल है कि यह परिवार, इस बच्चे का परिवार काफ़ी गरीब ने, फाइनैंशियली उन्होंने कोई अच्छी सपोर्ट नहीं हैगी, जिस करके कि वह एक बहुत वधिया स्कूल च पढ़ा नहीं सी सकदे, पर स्कूल वालों मैनेजमेंट वालों उन्होंने एक हैल्पिंग हैंड ऑफर किया गया, तो बच्चे की स्टडी कॉन्टीन्यू करन वास्ते उन्होंने रिक्वेस्ट की गई। तो इस चीज़ को ध्यान च रखदे उन्होंने इस बच्चे ने इस स्कूल च एडमिट करवाया। अकाल अकैडमी में इदां दे ही बहुत बच्चे ने जिहड़े स्कीमां दे तहत पढ़ रहे हैं, तो वह स्कीमां तुहाडे सिर ते चल रही ने, तुसीं की कहना चाहोगे भाई साहब उन्हां स्कीमां बारे ते अकाल अकैडमी च पढ़ते बच्चे बारे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भी इस तरह की स्कीमां होर होनी चाहीदियां, भी होर बच्चे भी जिहड़े चंगी तरह पढ़ सकन, क्योंकि इन्नी महंगाई विच पढ़ाना कोई सौखा काम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों वाले तो अजकल तुहानूं पता भी लुट ही रहे है ना, ये बहुत औखा काम है भी इन्ना किसी पढ़ा लेना बच्चे नूं, ते दो बच्चे पढ़ाने तो वैसे ही समझ लो भी माँ बाप लई तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं कहना भी जिस तरह इतना कमेटियां या कोई संस्था बनी दी उन्होंने सगो वध तो वध अगे आना चाहिए, भी होर बच्चों की भी पढ़ाई फ्री भी हो सके ते उन्होंने चंगी नॉलेज मिल सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के विच तुसीं देखो अजकल गुरु साहब का इतिहास ही गलत पढ़ा रहे, जे इतिहास ही गलत पढ़ा रहे तो साढ़े बच्चों अगे की आएगा। इसे कुछ इस करके भी अहीं जिहड़े आ भी इन्हां स्कूलों में चाहते हैं भी साढ़े बच्चे पढ़न गुरसिख स्कूलों में पढ़न, कोई चंगी विद्या कोई चंगी हर एक शिक्षा लैन, तो कौम का भी नाम उच्चा करन। जिहड़ा उत्थे माहौल किदां लगदा पढ़ाई वाला? पढ़ाई वाला माहौल तो काफ़ी वधिया, उत्थे ठीक है, बहुत वधिया, बच्चे काफ़ी कुछ नया नवा सीख के आते हैं, तो खुशी होंदी है मन। हुण तुहानूं लगदा भी जिहड़े सुपने आपदे असीं इसे घर च कढ़ती जिंदगी भी चल जे जवाक कुछ कर जूगा तो वधिया बण? हाँ ये तो होंदा ही है, भी हर माँ प्यो की आस होंदी है कि भी चलो साडा बच्चा पढ़ जाएगा तो अहीं कुछ चंगा कल नूं साडा भी चलो ठीक हो जाएगा, काम सर्कल सही वधिया हो जाएगा, तो इस आस नाल ही अहीं उत्थे एडमिशन कराई। अकाल अकैडमी बड़ू साहिब वालों एक बहुत ही वधिया उपराला किया जा रहा, जिस दे विच बच्चियां नूं जो कि गुरसिखी परिवार नाल संबंधित ने या इकोनॉमिकली वीक ने उन्होंने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और इस उपराले तो खुश हो के बहुत सारिया जड़िया संस्थावां ने पेरेंट्स ने सपोर्ट करते ने और आस करते ने कि अगे तो भी कलगीधर ट्रस्ट जो है कि ऐसे बच्चों फड़नगे उन्होंने हाथ पकड़ के उन्होंने ऐसी जगह पर लैके जाएंगे जिथे कि वो अपना भविष्य जड़ा है भविख जड़ा है वह उजागर कर सकन और देश कौम की सेवा कर सकन। साडे कोल बहुत सारे ऐसे बच्चे ने जिहड़े कि वख वख स्कीमां दे अंडर पढ़ रहे ने, और अज मैं गल करन जा रही हाँ एक बहुत ही प्यारे बच्चे करणबीर सिंह बारे, जो कि पठानकोट तो है और एक बहुत ही लो दर्जे दे परिवार विच्चों बिलोंग करता है ये बच्चा। और इस बच्चे नूं मैं एक बारी पठानकोट समागम ते गई सी, ते उत्थे उस उन्हां दे पेरेंट्स नाल जदों मेरी गलबात हुई ते मैं देखिया बच्चा बहुत ही प्यार दे नाल संगत विच बैठा होया सी, ते मैं उन्हां दे पेरेंट्स नाल गल कीती, मैं कहा वीर जी कि ये बच्चा कित्थे पढ़ रहा है? ते ओह कहिंदे कि तां असीं सरकारी स्कूल च पाया होया भैण जी। ते मेरा बहुत ही मन इदां होया कि एक बहुत ही अच्छे संस्कार वाला बच्चा बाणी पढ़ रहा और बड़ा लीन हो के बाणी पढ़ रहा सी और अपने गोडियां दे उत्ते तबला वजा रहा सी, तो मेरा मन इन्ना प्रभावित होया, मैं कहा कि वीर जी इन्हां नूं असीं अगर अकाल अकैडमी विच मौका दईए ते की तुसीं अपने बच्चे नूं पठानकोट तो इत्थे गुरदासपुर भेज सकदे हो मेरे कोल? तां उन्हां दे पेरेंट्स बहुत ही खुश होए ते कहिंदे कि अगर भैण जी इस तरह दा अगर सानूं कोई मौका मिले ते साडे बच्चे दा जिहड़ा भविख है उह सुधर जाए, उह गुरसिक्खी दे नाल नाल अगर बाणी और बाणे दे नाल जुड़ के चंगी एजुकेशन अगर उसनूं मिल जाए तो इस तों वड्डी साडे भागां वाली कीहड़ी गल हैगी आ।
सो फिर वह पेरेंट्स ने जो स्कूल आके विजिट किया वह भी बहुत प्रभावित होए और आके उन्होंने जो स्कूल दे विच देखिया कि बच्चे किवें सवेरे नितनेम तो बाणी पढ़ के अपना दिन शुरू करते ने फिर अच्छे क्वालिफाइड एजुकेशन वाले टीचर्स साडे कोल ने जिहड़े कि बहुत ही वधिया तरीके नाल उन्हां नूं पढ़ाते ने ते हुण वह बच्चा जो है सैकेंड क्लास विच है वह फस्ट क्लास विच साडे कोल एडमिट होया सी हुण वह बच्चा शब्द कीर्तन और तबला प्ले कर लैंदा है और वो वाल देख के सानू इन्नी खुशी महसूस होंगी और पेरेंट्स भी अपने दिलों असीसा देंदे ने कि ऐसे बच्चे जो अकाल अकैडमीज़ ऐसे बच्चे पैदा कर रही है जिन्हां नू उच्च सुची उच्ची ते सुची धार्मिक विद्या दे नाल नाल जो है वो एजुकेशन भी चंगी प्रोवाइड की जा रही है। अगे की पढ़ाई बारे जो सोचते हो कि लगता बच्चों का अगे की अगे तो टाइम तो होर ज़्यादा मुश्किल आ रहा पता नहीं की बनना है और अभी जाने चाहते हो भी अगे बच्चे अगे ही पढ़न कुछ बनने चाहते हैं भी चलो साढ़े बच्चे हूँ जिदा पढ़ रहे छोटा हूँ कहता ऑफिसर बनना तो अं भी चाहते हैं भी चलो कोई ऑफिसर बन जाए जां कोई है ना कोई कोई डिग्री कोर्स वगैरह अगे तो हो जाए तो कोशिश भी करा अपनी वालों जो हो सकती है साढ़े को पर फिर भी जिनी हो सके उन्नी की करा ज़्यादा कर नहीं सकते निके न्याणे इन्हों ना कहते निके बच्चों की अखों बड़े व्डे व्डे सुपने होंगे तो वह सुपन पूरा करने प्रवास देने कई बार ना मापियां नूं साथ तां देना पैंदा राह बनाउणा पैंदा पर कई वारी ओह राह ना बनाउ पाऊं तुसीं है ना तां दिल दे विच बड़ा एक दर्द जिहा उठदा। हाँ जी हाँ ये तो उठता तो है दर्द पर भी हुण इस बारे की मैं कह सकना चलो जे परमात्मा करेगा तो होएगा सारा कुछ होएगा उहदे उपर ही है सारी हुंदी। जो करणबीर सिंह का परिवार है उसके फादर एक बहुत ही लेबर मैं कहांगी कि एक लेबर फैमिली तो बिलोंग कर रहा है बच्चा उसके फादर एक कारपेंटर दे असिस्टेंट ने और मतलब यह है कि उस वो डेली बेसिस पे अपनी अर्निंग करने कर रहे ने जे कहे जाइए कि उन्होंने कोई लमसम अमाउंट या बहुत वधिया उन्होंने इनकम हो रही है वो बिल्कुल ही नहीं है। एक जॉइंट फैमिली तो नाल वो संबंधित ने एक कमरे दे विच वो गुजारा कर रहे ने और लेकिन जड़ी उन्हां दी मेन गल ये है कि वो एक गुरसिख ने और गुरसिख होण दे नाते उन्हां नू अपने बच्चे दे फ्यूचर बारे ज़्यादा चिंता आ वो ये चाहते ने कि साडा बच्चा जड़ा है वो बाणी दे नाल जुड़िया रहे और जो कि सिर्फ ते सिर्फ ये जो है वो सानू जड़ा आ वो अकाल अकैडमीज़ दे विचों ही मिल रहा है। पेरेंट्स इन्ने गरीब होने के बावजूद भी वो लोगों नूं और सारियां नूं इंसिस्ट करते रहे कि बच्चे जे तुसी अपने बच्चों का भविष्य फ्यूचर सवारना चाहते चाहते हो तो वह अकाल अकैडमीज़ के अपने बच्चों पढ़ाण ताकि जिथे बाणी के नाल नाल वो एजुकेशन जड़ी है दुनियावी और संसारी जड़ी विद्या वो भी धारण कर सकन। इहो जे परिवारां दा साथ देना इस समय की मंग है जिहड़े गुरसिखी नूं सांभ रहे ने ये भावें कंधां दीआं दीवारां दे उत्ते रंग लै रहा लथ रहा इस तस्वीर दे जिहड़े रंग ने उह सुलाबे होए ने थोड़े जे रंग फिक्के होए ने थोड़े जे जिहड़े रंग ने उह उड्डे होए ने इन्हां रंगां नूं खूबसूरत बना सकदे हो तुसीं नेकी पुन्न कमा सकदे हो तुसीं इस तस्वीर नूं सवार सकदे हो तुसीं करणबीर दे ऑफिसर बनने के सुपने पूरा कर सकते हो तुसीं संस्था कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब के नाल जुड़ के अकाल अकैडमिया के नाल जुड़ के।